आजकल गन से ज्यादा कैमरा स्टिंग ऑपरेशन की फिक्र होती है। बोल भला बोल। बापूजी, 10 साल से हमारा रिलेशन है, आज फिर भी आप मेरा भरोसा नहीं करते? अरे भाई, जो भरोसा करता है उसी का भरोसा तो टूटता है। ये पहली बार आपने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट किया है? नहीं भला, बड़े कहते हैं सोने का अंडा चाहिए तो मुर्गी को सोने का दाना तो देना ही पड़ेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट 16,000 करोड़ का है, अगर मैं आपको 5,000 करोड़ किकबैक में देता हूँ तो मैं अपना काम कैसे करूंगा? इंडिया में कौन सा प्रोजेक्ट बजट में पूरा हुआ है? हाईवे का प्रोजेक्ट 5 साल में जब तक पूरा होगा तो बढ़ बढ़ के 50,000 करोड़ हो जाएगा। अब साइन करने के लिए 10% पे तो हमारा हक बनता है। आपको पॉलिटिशियन नहीं, बिजनेसमैन होना चाहिए बाबूजी। पॉलिटिक्स से अच्छा कोई बिजनेस बता दे, मैं कर लेता हूँ। ठीक है, ये डील मुझे मंजूर है। नॉट अप्रूव्ड से नॉट अप्रूव्ड। वाह, पार्लियामेंट लो, चलो। मैं आउट ऑफ इंडिया जा रहा हूं, पैसा जल्दी भिजवा दे। ओके, हैव अ नाइस ट्रिप। Your account has been successfully opened. Sir, your iris scan and your fingerprint scan are the only things that identify you in our accounts. The 19-digit key code can be operated from all over the world. But remember, sir, accessing your code means accessing your account. And if there's any change in the operations, then you must come to this bank personally and refer to the iris scan. I like this chocolate. No, take thank some. You. Very nice. I know. 2 account here already. Mm-hmm.
छोड़ो, क्या कर रहे हैं? स्वीटी आ जाएगी। किस तरह की बीवी लक्ष्मी तुम? दुनिया की सारी बीवी शिकायतें करती हैं कि हमारा हस्बैंड साहब पास में नहीं रहता, तुम कभी शिकायतें नहीं करती हो? तो फिर शिकायत करना शुरू करूं क्या? एक बार तो करो, करो चेंज। तो फिर आप ही बता दीजिए कि मेरा इंतजार कब खत्म हो, बताइए ना। अरे छोड़िए। मम्मी और डैडी। माय बेबी। मोबाइल पे नहीं, लैंडलाइन से करता हूँ। डब्बा शीश महल कैसे बन गया? अरे साहब, ये तो फोन कंपनी वाले सुबह सुबह लगा के गए। अब उनका लॉटरी कहाँ से लगेगा? लगेगी, लगेगी कभी। आपका सैंडविच रेडी करता हूँ साहब। हेलो बच्चू भाई, एड्रेस लिखिए बच्चू भाई। वीनस स्टोर्स, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, फिफ्थ क्रॉस रोड। ओके, नेक्स्ट 103 अर्चना कॉम्प्लेक्स, लिंक रोड, वर्सोवा। एक मिनट, सुनिए भाई साहब, बोल करिए। ये बांद्रा सर्कल के पास वाला टेलीफोन है ना, जिसके सामने चॉकलेट रेस्टोरेंट है? मे बी बल्ली मारा कूचा है, सामने छुट्टन की दुकान है, गरीब साहब का मकान है। मे बी मैं बात कर रहा हूँ, बाहर जाइए, बाहर निकलिए। हाँ सॉरी, हाँ बोलिए। महाड़ा रोड नंबर 3, क्रॉस रोड 2, नियर खार जंक्शन। अभी लास्ट एड्रेस लिखिए। एक मिनट, ये आपके हाथ में मोबाइल है, आप मोबाइल से बात कर सकते हैं? बाहर जाके बात करिए, हम बात कर रहे हैं। अरे उन्होंने मुझे भेजा है, उन्होंने बोला है बांद्रा कुर्ला सर्कल के पास जो टेलीफोन है उसमें एक आदमी मिलेगा मुझे।
जिसको मुझे ये बैग देना है और उसे रसीद लेना है। क्या बात कर रहे हो, मैं वो आदमी नहीं हूँ, वो आदमी नहीं हूँ। क्या बात कर रहे हो, किसी बारे में बात कर रहे हो? अरे रसीद की बात कर रहा हूँ, रसीद की। कौन सी दूसरी रसीद? क्या है ये, क्या है इसमें, क्या है क्या है? मुझे क्या मालूम इसमें क्या है। आप यहाँ से बाहर जाइए, मेरा काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद मैं तुमको बुलाऊंगा, फिर आगे बात करना। बाहर निकल, गधे के बच्चे, बाहर निकल, बाहर निकल। बेटा किसको बोलता है? हेलो हेलो बच्चू भाई, मना कर रहा हूँ, बात कर रहे हो, बात समझ नहीं। आगे से घुसाऊंगा, पीछे से खून निकलेगा। अच्छा आजकल उस तरह का जमाना है। चलो हेलो बच्चू भाई, क्या लफड़ा है? हेलो क्या लफड़ा है? हेलो अरे बच्चू भाई क्या हो रहा है? नहीं ऐसे ही गलत। ठीक है चलो अभी लिखो। क्या था? 202 प्रेम सागर, सांता क्रूज, एसपी रोड। प्लीज पहुंचा देना बच्चू भाई, और मुझे कॉल करना। एक घंटे में पहुंच जाएगा। प्लीज वेट करिए। अच्छी पकड़ है, नाइस ग्रिप। जूजित्सु और हाफ नेल्सन का कॉम्बिनेशन। टपोरी लोग इसे नल्ला तोड़ कैची कहते हैं। हवा के साथ साथ हलक में खून भी जम जाता है, पहले आदमी बेहोश हो जाता है और 2 मिनट बाद उसे अपने भगवान के दर्शन हो जाते हैं। कौन बोल रहा है? ये दाव या तो आदमी कॉम्बैट ट्रेनिंग में सीखता है या फिर मार्शल आर्ट्स क्लास में। तूने कहां से सीखा? हाँ तुझे मेरा दाव पसंद आया उसके लिए थैंक यू वेरी मच, लेकिन ये तो बता कौन बोल रहा है? अच्छे जूते गुची, इटालियन। हाँ कहां से खरीदे? यूरोप या दुबई? मेरे ख्याल से दुबई। जो मेरा मॉल। हाँ अबे साले अरुण, अबे कब बम्बई मुंबई कब आया तू? मैं पहचाना नहीं यार, मुझे लगा पता नहीं कौन बोल रहा है, मैं डर गया शुरू में। कब आया तू? अरुण तो इस वक्त सिंगापुर में अपना मनी एक्सचेंज संभाल रहा है। उसे तो ये भी नहीं पता कि ये जो रोलेक्स तूने पहनी है एक खोके की है। ये रोलेक्स पिकाडिली सर्कस ही ली थी ना, कैश स्टर्लिंग पाउंड्स। हाँ वैसे इसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि जिस सोसाइटी में तू उठता बैठता है वहां इमेज ही सब कुछ है। उनकी नजर में तू इन्वेस्टमेंट बैंकर है ना। जरा सोच, अगर उनको पता चले कि अरमानी का सूट और रोलेक्स पहनने वाला हकीकत में फड़वा है। क्या है पागल है क्या? ए, क्या बोल रहा है तू? पता है तू किससे बात कर रहा है? जानता है मैं कौन हूँ? हेलो हेलो, जानता है तू मैं कौन हूँ? जानता है मैं कौन हूँ? अच्छी तरह से जानता हूँ, तू वो है जो अपनी माँ को कोठे पर बिठा कर अबे साले अपने बाप को सलाम करते। बाप का नाम मत लेना, सामने आके बात कर, हिम्मत लो सामने आके बात कर। साले एक सेकंड में फोन ट्रेस कराऊंगा और अंदर करवा दूंगा, इतने जूते पड़ेंगे फोन का नाम पहचानना भूल जाएगा, समझा तू? पब्लिक फोन पर हजारों फोन आते जाते हैं, तू कैसे साबित करेगा कि मैंने तुझे फोन किया? तेरे पास 2 मोबाइल फोन है ना, तू भी तो खास बात पब्लिक फोन से करता है क्यों? मैंने सही कहा ना बच्चू? कौन बच्चू? कौन बच्चू? मेरा नाम बच्चू नहीं है, कौन है तू? टोनी खोसला। टोनी? टोनी कौन? अब तू ये मत कहना कि तू अपना नाम भी भूल गया। अच्छा सुन, तू मेरे बारे में इतना जानता है ना, इतना जानता है ना, तो मेरा सेल नंबर तुझे पता होगा।
ठीक है, शाम को तू फोन कर, हम आराम से बात करेंगे। ओके, मैं अभी बंद करता हूँ। दोबारा फोन रखने की गलती मत करना बच्चों, क्योंकि ये बंदूक निशाने की गुलाम है। दोबारा फोन रखने की गलती की तो मेरी उंगली चलेगी, और अगर मेरी उंगली चलेगी तो तेरे भेजे की खिड़की खुलेगी। डू यू अंडरस्टैंड बच्चों? डू यू अंडरस्टैंड बच्चों? ओके ओके, आई अंडरस्टैंड बॉस। लिसन, गुड बॉय, तुमको कोई बात करनी है तो अपन प्यार से बैठ के बात कर सकते हैं। एंजेस, तुम मुझे बता तुमको क्या चाहिए। वही जो बाबा रामदेव अपने दर्शकों से चाहते हैं। क्या? ध्यान। मुझे तुम्हारा पूरा ध्यान चाहिए बच्चू। ध्यान मीन्स योर टोटल अटेंशन। किसी ने मेरी सुपारी दी है क्या? अब तेरा भेजा चलने लगा। गुड गेस बच्चू, गुड गेस। हाँ, किस हरामी ने मेरी सुपारी दी? कितने किसने दी? मेरी बीवी ने। मेरी बीवी को मतलब बीस मिला बॉस, मेरी बीवी को मैं जानता हूँ, मेरी बीवी बेचारी सुपारी का मतलब तक नहीं जानती है। तू उसे डिवोर्स देगा? डिवोर्स में क्यों दूंगा? तेरी सुपारी नहीं देगी? मैं अपनी बीवी को डिवोर्स क्यों दूंगा? मैं अपनी बीवी को प्यार करता हूँ यार, मैं उसे चाहता हूँ, मैं अपनी बीवी को डिवोर्स क्यों दूंगा? तो कल शाम को हयात कॉफी शॉप में रोशनी के साथ इस बारे में बात तेरा भूत कर रहा था। कल रात को मैंने अपने सपने में देखा कि हमारी शादी हो रही है। अजीब सपना है, बार बार आता है। अच्छा ये बताओ, तुम अपनी बीवी से डिवोर्स कब ले रहे हो? इमीडिएटली, पेपर्स फाइल कर दिए डिवोर्स के, अभी एक महीना लगेगा प्रोसेस होने में। देन एक महीना? कौन रोशनी, किस क्या क्या बात कर रहे हो बॉस? तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? आपको थोड़ी गलतफहमी हुई है। लो बात कर लो। नहीं, बात सुनिए, इसलिए बात करने की जरूरत है, बाद में कभी बात कर लूंगा। देखिए बच्चू बेबी। हाँ बच्चू। हाय बच्चू, ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? एक आदमी ने मुझे कुछ देर पहले फोन किया और कहा कि तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। तुम्हें बेवकूफ बना दिया, तुम्हें बेवकूफ बना दिया। एक्चुअली वो तुमसे मजाक कर रहा था और तुमने सच मान लिया। बेटा जल्दी कर। हेलो लक्ष्मी। यस, जरा सुनो बच्चू, उसने मुझे कहा कि तुम मेरे साथ सिर्फ ऐश करना चाहते हो और तुम अपनी बीवी को कभी डिवोर्स नहीं दोगे। नहीं, देंगे क्यों नहीं देंगे। लिसन यार, आप डिवोर्स का वो तुमसे मजाक कर रहा है, तुमको बोल रहा हूँ वो मजाक कर रहा है, वो ही जस्ट वांट्स टू टेस्ट यू। ओके, एंड मैं एक्चुअली आज ही गया था कोर्ट एंड मैंने देखा कि पेपर में थोड़ा टाइम लगता है ना, इस चीज़ में थोड़ा टाइम लगता है ना, गिव मी सम टाइम। बच्चू तुम सच कह रहे हो ना? You really mean it? My baby, my darling, my baby. मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम झूठ बोल सकता हूँ? ओके, अभी तुम फोन रख दो। हाँ, मैं शाम को आता हूँ, then we'll meet and I'll explain. Okay? Bye, baby. Bye. Bye. ये किससे बात कर रहे थे आप? कौन है? हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? अच्छा, डिवोर्स देने से पहले ही अपनी बीवी की आवाज़ भूल गए? Hi, hi लक्ष्मी, hi. ये क्या हो रहा है? हाँ? क्या? ये जो अभी मैंने फोन पे सुना? मैंने तो कॉन्फ्रेंस कॉल लगाया था। लक्ष्मी, हाय, हाउ आर यू? ये रोशनी कौन है? कौन? नोबडी, नो। शी इज जस्ट अ फ्रेंड एंड शी सेड के तुम्हारी बीवी तुम पे शक करती। मैंने कहा हो नहीं सकता, मेरी बीवी अगर मेरे साथ किसी को देख भी लेगी ना तो उसका भरोसा मुझ पे से उठेगा नहीं, यू नो। मैं उसको बोला और शर्त बहुत बड़ी लगी है, तो मुझे पता है तुम्हारा मुझ पे भरोसा कभी नहीं उठ सकता। लेकिन वो आदमी कौन था जिसने मुझे फोन किया? उसी से तो शर्त लगी है। देखो प्लीज, तुम ऐसी शर्तें फिर से नहीं लगाना हमें। देखो लक्ष्मी, तुम ज्यादा बात करोगे मैं शर्त आ जाऊंगा। यू हैव टू मेक मी विन दिस आई विल कम इन द इवनिंग, आई विल एक्सप्लेन। ओके, लेकिन शाम को प्लीज जल्दी आना। मैं अभी आ रहा हूँ, बस अभी पहुंच। बाय। ग्रेट परफॉर्मेंस बच्चू, ग्रेट परफॉर्मेंस। अबे ए हरामी, ए हरामी, बोलता है कि मेरी बीवी मेरे पर सुपारी देगी, सामने आके बात कर क्या करेगा? तू मुझे मारेगा? ले मार, मैं रख रहा हूं ये फोन, मार के दिखा।
शूट कर दिया मुझको, मेरे हाथ में गोली लगी है, मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। नाटक मत कर बच्चू, गोली तो सिर्फ तुझे छू कर निकल गई। दराज में मेडिकल किट पड़ा होगा, उसमें से बैंडेज निकाल और लगा। तेरी दोनों लाइफलाइन खत्म हो चुकी है बच्चू, तीसरी गलती की तो एपिसोड खत्म। ए, ऊपर क्या देख रहा है? अपने जेब से दोनों मोबाइल की बैटरी निकाल और शेल्फ पे रख। तेरा क्या बिगाड़ा है? क्यों करना चाहता है मेरे साथ ये सब? जब मौत आंखों के सामने होती है ना, तो अच्छों की गेटवे ऑफ इंडिया हो जाती है। तू अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट क्लियर होता तो तूने अब तक मुझको मार दिया होता। तू एक बहुत ही सच्चा आशिक है, क्योंकि क्योंकि एक सच्चा आशिक ही इतनी दूर तक किसी का पीछा कर सकता है। तो या तो तू मुझसे कोई बदला ले रहा है। तू बता ना, कौन सी लड़की है जो तुझे छोड़कर मेरे तक आ गई और तू मेरे पीछे पड़ गया? बता ना प्लीज, बोल ना भाई। हाँ भारती। अरे कौन भारती? उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी तूने। किसी ने सच कहा है कि आशिक प्यार में अंधा हो जाता है। जो औरत मेरे पैसे के लिए तुझे छोड़ के चली गई तो उसको भोली भाली कह रहा है? औरत का नाम धोखा होता है, औरत का नाम धोखा होता है। हर औरत बिकने को तैयार होती है, उसके लिए खरीदार चाहिए, समझा? अपनी बीवी और बेटी के बारे में ये कह रहा तू? अरे मैं उसके बारे में नहीं कह रहा, औरतों के बारे में कह रहा, जिससे मेरा कोई लेना नहीं। अरे 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 भाई, मानता हूँ गलती तो हुई है, वो गलती तो हो गई, लेकिन अभी बस मुझे मालूम थोड़ी था कि उसका इतना बड़ा सच्चा आशिक निकल आएगा। अभी जो हो गया ना बस। लिसन, मैं बहुत जल्दी में हूँ, तो अभी टाइम वेस्ट मत करो। एक काम करते हैं, मैं तुमको 10 फीट ही देता हूँ और सौदा पटा दो। ये पैसे की बात करता है तू? हाँ पैसे की बात करता है तू? अच्छा नहीं ठीक है, जो आप बोलो वैसा करते हैं। बोलो, ये बंदूक है ना, बंदूक 15 पेटी की है, जिसका निशाना पिछले आधे घंटे से तेरी खोपड़ी पे है, समझा? और बताओ क्या? मैं आपको 50 पेटी देता हूं, अभी आप भूल जाओ ये सब। हाँ भारती को भूल जाओ, 50 पेटी देता हूं अभी। आप एक बात सोचो यार, अभी अब मेरे को मारने से उसकी इज्जत तो वापस नहीं आएगी ना बस। और भारती की जिंदगी, उसका सौदा कितने में करेगा तू? नहीं भारती की जिंदगी को क्या हुआ है, वो तो थोड़ा इमोशनल सदमा लगा, लापता हो गई, वापस आ जाएगी, उसको क्या होगा? मुर्दे कभी वापस नहीं आते बच्चों। नहीं नहीं क्या बात कर रहे हैं आप, कैसी बकवास कर रहे हैं आप? भारती ऐसे कैसे मर सकती है? जब उसे होश आया उसे सह नहीं कर। आप यकीन मानिए, मैं लड़कियों के साथ थोड़ा बहुत इधर उधर घूम लेता हूँ, मजा मस्ती कर लेता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं किसी को मारना नहीं चाहूंगा। बस मैंने आज तक किसी की जान नहीं ली है, मुझे सीरियसली बहुत बहुत अफसोस है भारती। अब तेरी बारी है बच्चों। मेरी एक बात सुनिए, ध्यान से सुनिए सर। मेरे पैसों के चक्कर में उसने आपको कितना बड़ा धोखा दिया है, कैन यू इमेजिन कितना बड़ा धोखा दिया है उसने आपको? अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? अभी देखो आप गुस्सा मत हो ना, मेरी बात ध्यान से सुनना। ये भारती के जो घर वाले हैं उनका खर्चा जो है भारती की कमाई से चलता था। अब भारती की कमाई नहीं है तो आप सोचो उनके घर वालों का क्या हो रहा होगा, किस हाल में होंगे, आप सोचो जरा। अब इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा ना, करते हैं कुछ करते हैं। मैं भारतीय घर वालों को 50 पेटी देने को तैयार हूँ, 50 पेटी देता हूँ इमीडिएटली और उनकी जिंदगी लाइफ सेटल कर देता हूँ हमेशा हमेशा के लिए, ओके? और मेरा क्या? आपका तो मैं गुनहगार हूँ। अगर तू मेरा गुनहगार है तो मैं तुझे अभी खत्म कर देता हूँ। अरे 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 अ
तो सामने नहीं हो, पीछे से बात कर रहे हो, बहुत ऐसे सेटलमेंट कैसे होगा? लिसन लिसन, मैं आपको आपको 50 पेटी नहीं, वो 1 करोड़ रुपए देने को तैयार हूँ। 1 करोड़ रुपया आप भूल भारती को भूल जाओ, एंड देन यू नो आप 1 करोड़ रुपया इज अ बिग मनी बॉस। क्या है बे? चल बैग दे। अभी ये कौन है? ला बैग दे। कौन सा बैग? वो ही जो तेरे पास है। अरे पागल है क्या? रसीद पकड़। अरे ये कोई पिकअप जॉइंट है क्या, जो कोई नोट दिखा के माल उठाने चला था? इधर कोई मेरा कोई बैग नहीं है इधर। तेरे को थोड़ी देर पहले एक आदमी ने वो बैग दिया ना? थोड़ी देर पहले एक आदमी बैग देने आया था, ये मेरा लैपटॉप का बैग है, वो देने आया था, मैंने नहीं दिया, वो इधर उधर होगा, जाके देखना। ए मेरे पास टाइम नहीं है, भेजा मत कुमार। बैग दे जल्दी, मेरा शॉट लेने का टाइम हो गया। इधर बहुत टेंशन चल रहा है, तू अभी मार जाएगा। दरवाजा खोल आरामी, नहीं तो तोड़ दूंगा। खोल, दरवाजा खोल, नहीं तो तोड़ दूंगा। खोल जल्दी जल्दी खोल। देख तू मेरे को बैग दे दे, मैं बैग लेकर नहीं जाऊंगा तो वो लोग मेरे को मार देंगे। ला ये ले, पकड़े पकड़ ये पकड़ो, शॉट ले अपने जा। बैग दे, बैग दे। ए साले मेरे को भिखारी समझता है साले? बैग दे दे, नहीं तो ठोक दूंगा। अरे तू भी लेके आ गया, तू कहे तो इसे ठोक दूं। नहीं नहीं नहीं, गोली बचाना, गोली बचाना। तो निकाल बैग, निकाल निकल। अरे तेरा पार्टनर इधर ही होगा कहीं, उसको ढूंढ ले। रुक जा, निकाल दे। नहीं नहीं, गोली बचाना, मैं कुछ करता हूं। पहले बैग दे मेरे को। तू मरेगा, मुझको भी मरवाएगा, समझ नहीं रहा क्या क्या कर रहा है। ये आदमी नशा खोर है, किसी भी सेकंड गोली चला देगा। और तुझसे सौदा किए बगैर मैं तुझे मरने नहीं दूँ। कौन सा बैग चाहिए पहले ये तो बता तू। मैं 3 तक गिनता हूँ। अरे दोनों 3 तक गिनेंगे। एक, 3 तक मत गिन साले, एक मिनट रुक। अरे गोली मत, दो, 10 तक गिन दोबारा। ये क्या किया तूने यार? मार डाला उससे। देखो गन भी पड़ी है। पीछे हटो साला, पागल लगता है। अभी पुलिस आएगी, सारा झमेला खड़ा होगा, मैं इस झमेले में नहीं पड़ सकता हूँ बॉस। तुमको तुम्हारा पैसा चाहिए, मैं तुमको तुम्हारा पैसा दे दूंगा, जैसे चाहिए जिस तरह से चाहिए तुम्हारा पैसा दे दूंगा। मुझको जाने दो, अभी मुझे बहुत जरूरी काम है, मेरे लेने के देने हो जाएंगे। लेने के बाद देना तो पड़ता ही बच्चों। गन तेरे पैरों के पास पड़ी है, इतने चश्मदीद गवाह है, ट्रायल भी नहीं होगा, सीधे फांसी। यार देखो मैं मर्डर वर्डर से नहीं डरता हूँ, मर्डर को तो मैं 1 सेकंड में घुमा दूंगा, मुझको अभी जाने दो। तो फिर पुलिस से क्यों डरता है बच्चू? पहले मेरा सौदा सेटल कर, अभी तक मैंने तेरा ऑफर कबूल नहीं किया। ओके बॉस, देखो तुम मुझको जानते हो, अच्छी तरह से जानते हो, मुझे 1 घंटे के लिए जाने दो, मैं 1 घंटे के बाद वापस आऊंगा, यही आऊंगा, हम यही बैठेंगे, हम पूरी रात साला इस फोन के ऊपर डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन अभी मुझको जाने दो बस थोड़ी देर। मैं कसम खाता हूं मैं आऊंगा, मैं यही वापस आऊंगा। कौन सी कसम? जो तू अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ खाता है। लिसन लिसन ये हाय यार, डर मत बच्चू, गोली इतनी जल्दी नहीं चलेगी, अब तो खेल शुरू हुआ है। ए थम 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 थम, ए क्या रे, क्या हुआ? मामू पागल हो गया, लेकिन इतनी लाश पड़े लिए। मैं आपको बताता हूँ ना, मेरे को सब कुछ मालूम है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। देखो अभी पब्लिक जमा हो रही है, मुझको जाने दो मेरे बाप, इसके बाद मेरा निकलना मुश्किल हो जाएगा। इतना बड़ा आदमी होकर बच्चों की तरह घबरा रहा, तू तो चुटकी मारकर कुछ भी कर सकता है ना बच्चों। अरे मेरे लिए चुटकी का खेल नहीं है, तुम्हारे लिए चुटकी का खेल होगा, कि मेरी जिंदगी दांव पे लगी हुई है। क्यों? उसकी भी जिंदगी दांव पे लगी थी जिसको तूने मारा है। मैंने गोली नहीं मारी है, तुमने गोली मारा है, तुमने उसको मारा है, मैंने गोली नहीं मारी है। तेरी जान बचाने के लिए तो मैं उसकी मौत का जिम्मेदार कैसे हूँ? हे भगवान, सुबह सुबह किसका मुंह देखा था, कहाँ फंस गया। जब बैंड बजती है तो खैरात बढ़ती है। कितने सालों बाद भगवान का नाम लिया है तूने बच्चू? अरे वो मेरी गाड़ी के ऊपर चल रहे हैं, उनको उतारने वाला नहीं है। अरे गाड़ी से उतर, अरे गाड़ी से उतर, ये मेरी गाड़ी के ऊपर चल रहे हैं यार, मुझको जाने दे भाई। कौन सी मिट्टी का तू बना है बच्चू?
चारों तरफ तेरी पब्लिक खड़ी है, पुलिस वहां घूम रही है, लाश तेरे बगल में पड़ी है, बंदूक तेरे सिर पे खड़ी है और तुझे उस खटारा वैन की पड़ी है। हा? ऐसी क्या बात है उस वैन में बच्चू जो तू उसे एक कुंवारी लड़की की तरह बार बार घूरता है? नहीं, मेरी वैन में कुछ नहीं, मुझे लगा था तुमसे बचने का एक ही रास्ता है, मैं चुपचाप निकल के भाग जाऊंगा, वो सारा खड़े हुए। गोड़ी गोड़ी पैसा पैसा पैसे का खेल, चल चल सड़कों पे होगी ठंड। कांस्टेबल गुंडूराव रिपोर्टिंग सर। कैसा गुंडूराव? ठीक हूँ साहब। क्या क्या चल रहा है इधर? साहब वो सामने टेलीफोन बूथ में जो आदमी खड़ा है ना, उसी ने उसको गोली मारी। हाँ गोली मारी। हाँ भागा नहीं? साहब मेरे को लगता है वो पागल है। सरकार साहब सर क्या भीड़ भाड़ है, पीछे वालों को 25 फीट पर बना। साहब साहब सैंडविच वाला। तुम्हारा स्टॉल है? हाँ साहब। कितनी देर से आदमी अंदर? आधे घंटे के ऊपर हो गया साहब। अंदर गया तो ठीक था, नॉर्मल था? एकदम नॉर्मल था साहब, हमेशा आप उनके इधर से ही फोन करता है और सैंडविच भी खाता है। हाथ में पता नहीं साहब इस आदमी के साथ क्या झगड़ा हो गया। साहब साहब एक और आदमी भी आया था उसके पहले। सोच के बोल, एक आदमी थे कि दो आदमी? दो आदमी साहब, बोले तो दोनों के साथ झगड़ा। इसको लेके जाए, स्टोरी चेक कर इसकी। पृथ्वी पब्लिक से पूछो क्या है, एक आदमी थे दो आदमी थे क्या है, चेक करो। पहनो के लिए तैयार हो रहा बच्चू। टीवी मीडिया पहुंच चुकी है। स्टार बनने के बाद क्या नाम रखेगा तू? बच्चू कपूर, बच्चू कुमार या फिर आजकल सबका फेवरेट बच्चू खान? मेरे को कोई स्टार स्टार नहीं बनना है, तेरे को स्टार बनना है तो बन स्टार। रोल कैमरा रोलिंग। मैं इंडिया टीवी से निधि श्रीवास्तव मुंबई के बेंड्राकुला कॉम्प्लेक्स से न्यूज ब्रेक कर रही हूँ। यहाँ अभी अभी एक आदमी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सूत्रों का कहना है कि ये आदमी जो टेलीफोन पर बात कर रहा है, हत्या इसी ने की है। हेलो, एक्सक्यूज मी बॉस, एक्सक्यूज मी, हमें वो बॉडी हटानी है वहां से, बहुत गर्मी है, सड़ जाएगी। डोंट वरी, कोई फायरिंग नहीं होगी। देखिए मैं मैगजीन निकाल रहा हूँ। ओके आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। लाइन पर स्क्रैम्बलर लगा हुआ है, इससे आवाज में डिस्टॉर्शन आता है। अरे तो स्क्रैम्बलर को डीएक्टिवेट करना है? ये टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है सर, ये मिलिट्री या इंटेलिजेंस वालों के पास होती है। मतलब ये आदमी पागल नहीं है, साला हमें पागल बना रहा है। सर लाइन काट दे। खेलने देना, हम भी खेलते हैं। मेगाफोन लेके। सर हेलो, हेलो मिस्टर, हाँ आपसे बात कर रहा हूँ, अपने हाथ ऊपर करो और फोन मुझसे बाहर आ जाओ।
थिंक हिंदी नहीं समझता. रेज योर हैंड्स, कम आउट. मराठी. पूछा बाहर या हाथ वर करा. कहीं बहरा तो नहीं है? बहरा है तो फोन पे क्या? देखो डरो मत, कुछ नहीं होगा. मैं वादा करता हूँ कोई गोली नहीं चलाएगा. हाथ ऊपर करो, बाहर आ जाओ, कुछ नहीं होगा. इतनी पब्लिक और पुलिस के सामने तो गोली चलाएगा? बेटा तू अपने ही जाल में फंस गया है, अब संभाल. तू बच्चा है बच्चू, जब तक पुलिस को पता चलेगा कि गोली कहां से चली है, मैं दूसरी गली में पहुंच चुका हूं. अगर यकीन नहीं आता तो बूथ से बाहर निकल के दिखा. मैं वादा करता हूं कोई गोली नहीं चलाएगा. हाथ ऊपर करो, बाहर आ जाओ, कुछ नहीं होगा. अरे निकल ना. हाथ ऊपर करो और बाहर आ जाओ, कुछ नहीं होगा. तुम्हारी सेफ्टी मैं गारंटी देता हूं. उसको बोल चिल्लाना बंद करे, डिस्टर्ब होता है. आ जाओ आ जाओ आ जाओ. गुड गुड गुड. चिल्लाना बंद करो, डिस्टर्ब होता है. ए, क्या? अरे उसको बोल भोपू बंद करे, मैं बिजी हूं. भोपू बंद करो, बिजी हूं मैं अभी, डिस्टर्ब होता है. शक्ल देखी उसकी, वेरी क्लासिक एक्सप्रेशन. अभी एक्सप्रेशन तो तेरा बदलेगा बेटा. इस जगह पर पब्लिक कम पुलिस ज्यादा दिखेगी, फिर देखता हूं तू क्या करता है. और तुझे एक जंगली जानवर की तरह पकड़ लेंगे. यही सोच रहे ना तू? अरे टेंशन मत ले बच्चू. मैं हूं ना, जब मैं तेरी जान बचा सकता हूँ तो फिर पुलिस की क्या मजल कि वो तुझे हाथ लगा ले. हाँ तू पुलिस पे गोली चलाएगा? तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ बच्चू, लेकिन उसकी नौबत नहीं आएगी. सर 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 लिसन, नो कमेंट्स नो कमेंट्स. नो, आई हैव समथिंग टू शो यू. देखिए इस बूथ पर चार बुलेट पिन है, तो यहाँ ऊपर सामने की तरफ और दो नीचे पीछे की तरफ. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यहाँ शूटर है. एग्जैक्टली. और अगर वो है तो यहाँ इस बिल्डिंग में. पीछे पलट के मत देख. ग्रेट वर्क, मेरी नौकरी ले लगी तू. एक ऐसा करना, किसी को बताना मत. अरे दिस इज माय ब्रेकिंग न्यूज, माय बिग स्टोरी. क्या करूं, यहां से मेगाफोन लेके चिल्ला दूं, बता दूं शूटर को लाइव कवरेज है, बम फोड़ दे, मारे जाएंगे लोग. 26/11 में कम हुआ था. प्लीज. ओके आई अंडरस्टैंड, बट यू हैव टू मेक अ प्रॉमिस. जब भी ये शूटर पकड़ा जाएगा, डेड और अलाइव, आई विल गेट द एक्सक्लूसिव कवरेज. कवरेज और शूटर दोनों को लेके जाना. बच्चू रो मत बच्चू. राइट साइड का ड्रॉअर खोल और जो चीज है उसे निकाल कर शेल्फ पे रख. अब क्या है इसमें? RDX की बिरयानी खाएगा? टिफिन उठा बच्चू. उन लोगों से बोल कि अगर वो पीछे नहीं हटे तो ये पूरा रोड इस एरिया के मैप से गायब हो जाएगा. पीछे हटो, पीछे हटो. टिफिन बम. अभी टेलीफोन पर बात कर रहे आदमी ने क्लेम किया है कि उसके पास RDX है. क्या उस बॉक्स में RDX हो सकता है? और अगर हाँ तो कितना RDX हो सकता है बॉक्स में? RDX का टच अच्छा था बच्चों.
तेरा खेल कर रहा है यार, तमाशा कर रहा है। मैं एक मोबाइल पे फोन करूंगा, 10 मिनट के अंदर तू जहां कहेगा तेरा 1 करोड़ रुपया पहुंच जाएगा। इस खत्म करना इस खेल को। 1 करोड़ में मेरा क्या होगा? कितना चाहिए फिर तुझे? 10 करोड़, वो भी कैश, यहाँ इसी वक्त। अरे पागल है क्या? मैं कोई बैंक चलता फिरता बैंक थोड़ी हूँ कि 10 करोड़ रुपया अपनी जेब में लेके घूमूंगा। अपने साथ नहीं लेकिन अपनी गाड़ी में लेके घूम सकता है ना। सर ये तो हॉस्टेज सिचुएशन है। ए, लेके जा रिपोर्टर के पास। कंट्रोल रूम फोन करूँ क्या? पागल है क्या? कंट्रोल रूम फोन करेगा, एनएसजी की सारी फौज आ जाएगी। किसने कुछ कर दिया उन्हें देख के तो क्या करेंगे? छोड़, हम लोग हैं ना। देख अभी उस शूटर को मालूम नहीं है कि हमें उसकी पोजीशन मालूम चल गई है। एक काम कर, पृथ्वी और गैंग को लेकर मुझे बिल्डिंग के नीचे मिलो। कल शाम को ही 10 करोड़ रुपए की वसूली की थी तुमने, वो बैग अभी तेरी गाड़ी में पड़ा है ना। कितना है? 10 करोड़ है। हमारा कमीशन कितना बनता है? 10%, 90 करोड़। वो भी साला तुमको भारी पड़ गया? भारी तो ये पड़ गया, ये पागल कुत्ता, हमारी चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट का नया कमिश्नर कर्नल गिल, एक्स आर्मी ऑफिसर, मेरे 3 कलेक्शन ऑफिसरों को बाहर कर दिया। कम से कम 10 बार मुझे वो खच्चर कहके बुलाता है। बच्चू भाई ये खच्चर क्या होता है? घोड़े की नस्ल में जो छक्का होता है उसे खच्चर कहते हैं आर्मी की जबान में। ठीक ही तो बोला उसने। सूत्रों से अभी अभी पता चला है कि जो व्यक्ति टेलीफोन पर बात कर रहा है उसका नाम टोनी खोसला है। लोग उसे बच्चू के नाम से भी जानते हैं और वो पेशे से एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है। मुंबई क्राइम बीट के स्पेशल एडिशन में इस कातिल की इतनी मचाल की अभी वहाँ क्राइम इन मुंबई इज द कॉमन मैन से पहुँच चुकी है और उनकी तहकीकात जारी है। सुरा खच्चर, मीडिया तेरे बारे में क्या कर रही है? मुझे पता चल गया खच्चर, आई गॉट यू। एक स्नाइपर राइफल और मेरी उंगली पर इतना करेक्ट निशाना एक आर्मी का ट्रेंड आदमी ही कर सकता है। आई गॉट यू कर्नल गिल, आई गॉट यू। इंचार्ज कौन है यहाँ का? मैं हूँ, तू कौन? सर, सर। डर मत, पुलिस वाला हूँ, बैठ बैठ। सारे कैमरे चालू हैं तेरे? हाँ सर, चालू है। चल 7-8 मिला दिखा। क्या उधर? आर्ट गैलरी है, अभी वो बंद है। घुमा घुमा, कैमरा घुमा, पूरा फ्लोर दिखा। कैमरा नहीं घूमता सर, वो लोग फिक्स करके गए हैं। मैं तो यहाँ सर ड्यूटी पे हूँ सर। पहले बोल लें सारे। सर मैं सॉरी, बैठ जा, बैठ बैठ। क्या लिफ्ट को क्या हुआ है? सारे लिफ्ट सर सुबह से बंद है, वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है सर, वो डिपार्टमेंट मेरा नहीं है सर। सारे लिफ्ट बंद है? हाँ सर। और कोई कैमरा घूमता नहीं है? नहीं सर। कम ऑन बॉयज, कम ऑन, लेट्स मूव। लो कर्नल गिल, नहीं सर, am I right? कर्नल नहीं, एक्स कर्नल। प्रेजेंट पोजीशन कमिश्नर ऑल इंडिया चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट। सर तो वो भारती वाली कहानी झूठी थी ना सर, वो जिंदा है? कहानी में सिर्फ आशिक वाली बात झूठी थी। एक साल से तेरा पीछा कर रहा हूँ बच्चों, एक पागल कुत्ते की तरह। पागल कुत्ते तो आपके डिपार्टमेंट के लोग हैं ना सर। सर आपके जैसी सच्चाई, आपके जैसी ईमानदारी समझने वाला आजकल इस दुनिया में कोई बचा नहीं है सर। बिकाजुअल आप
आप जैसे लोगों ने देश के लिए क्या नहीं किया है सर, आप जैसे लोगों ने देश को आजाद कराया, कितना बड़ा आजादी का लड़ाई लड़ा है। उस वक्त तो मैं पैदा ही नहीं हुआ। अच्छा नहीं, चाइना वार 1960 में चाइना वार किया था आप लोगों ने। अरे सर कोई तो जंग हुआ होगा रहेगा ना आपके टाइम में, आप जब आए फौजी बने तब कोई तो जंग हुआ होगा ना। यू मीन कारगिल? हाँ अभी अभी, हाँ अभी अभी हुआ था, वही वही कारगिल। अभी उसमें क्या आपने हराया लोगों को? और आप जैसे सिपाही लोग, जवान सिपाही लोग, मुझे जवान बोला? अभी आप जवानी है ना सर, आप बोले 1971 में मैं केजी में था तो आप जवानी होंगे ना सर। जवान वो जवान नहीं, नहीं वो जवान नहीं, अरे वो जवान नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ मतलब ऑफिसर। हेलो सर, हेलो, स्टॉप, यू डू गो देयर, तुम ना रोको। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, ये देश का यारो, ये देश का यारो, क्या कहना सर। वहां कोई नहीं है, दुश्मन के लिए दिलदार है हम, दुश्मन के लिए तलवार है हम, मैदान में अगर हम डट जाए दुश्मन है के पीछे हट जाए। I'm impressed, बच्चू। बहुत अच्छा गाना है। अच्छा लगा। तो मैं जाऊं? सर हेलो, मैं जाऊं क्या मिस्टर गिल? सर आप क्या करें? देखो शूटर जब तक फायर नहीं करेगा तो उसकी नई पोजीशन मालूम नहीं चलेगी। मुंह तो करेगा, तब तक वेट करेंगे। अगला स्लॉट 7 मिनट में शुरू होता है, ओके? या। नाउ गो गेट मी समथिंग बिगर। आई विल सर। मैं जाऊं? पता नहीं था गेम ऐसे ओवर हो जाएगा। ये साला मामूली इन्वेस्टमेंट बैंकर, इसको फंसाने के लिए साथ मैंने इतना सब कुछ किया। लिसन, बच्चू कोई मामूली इन्वेस्टमेंट बैंकर नहीं है, इसके कनेक्शन बहुत ऊपर ऊपर तक हैं। मेरे एडिटर का अभी अभी फोन आया था सब न्यूज चैनल्स को,
बहुत बड़े पॉलिटिकल पीआरओ से इंस्ट्रक्शन मिला है कि बच्चू के पूरे एपिसोड को एकदम डाउन प्ले किया जाए और ये स्टोरी बनाने को कहा है कि उसको स्ट्रेस की वजह से कुछ ऐसे ही मेंटल टेम्पररी इंसैनिटी इंसैनिटी का दौरा पड़ा है. वेरी गुड, मतलब मीडिया वाले भी पैसा खा के इस बेचारे की स्टोरी टॉइंग. जी नहीं, टू लेट नाउ. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच. आई एंजॉयड योर कंपनी सर. आई एम लीविंग, आई विल कम बैक. ओके बच्चू. हेलो, क्या सोच रहे हैं बच्चू? सर आप क्या चाहते हैं मुझसे? मुझको एग्जैक्टली बताइए आप क्या चाहते हैं. आपको पैसा तो नहीं चाहिए ये मैं जानता हूँ. Then what do you want? Confession. हाँ? मैं तेरा confession चाहता हूँ बच्चू. सर लाश का आइडेंटिफिकेशन हो चुका है. कौन है? इरफान नाम का ड्रग एडिक्ट. 5 मर्डर और 3 हाफ मर्डर का केस है उस पर. खतरनाक आदमी, अच्छा हुआ मर गया. चला पहले स्क्रैम्बलर, फिर शूटर, पॉलिटिकल प्रेशर, अब ड्रग एडिक्ट. ये गेम वो नहीं है जो दिख रहा है. वो सामने वो एंकर खड़ी है ना, निधि श्रीवास्तव, उसे अपने पास बुला और उसे कह के तू सबके सामने कन्फेशन देना चाहता है. कन्फेशन तो अकेले में होता है सर. कन्फेशन अपने आप से होता है, अपनी मर्जी से होता है और अकेले में होता है. या कन्फेशन किससे करूंगा मैं? ना तू चर्च में खड़ा है तो ना मैं पादरी हूँ. कन्फेशन तो सबके सामने ही होगा बच्चू. आपको पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिला, इतने लोग हैं, आप किसी को भी पकड़ सकते थे, आपने मुझे ही पकड़ा. मैं क्या करूंगा कन्फेशन से, किस बारे में कन्फेशन करूं? मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा कर्नल साहब. जरा सोच बच्चों, तेरा कन्फेशन सुनकर कितने गलत लोग सबक सीखेंगे. अरे लोग अपना पाप धोने के लिए हरिद्वार जाते हैं, मैं तो खुद गंगा को तेरे पास लेके आ रहा हूँ. उसका नाम गंगा है क्या? बुला उसे बच्चो. एक मिनट में बुलाता हूँ. हेलो मैडम, मैडम, मैडम आप? मैं? आप? आइए आइए आइए. बोल, तुझे कॉर्डलेस माइक चाहिए? आपको स्टेटमेंट देना चाहते हैं क्या? मुझे एक माइक चाहिए, माइक, माइक. और स्पीकर भी. बोल कि मैं अपना कन्फेशन सबको सुनाना चाहता हूँ. और स्पीकर भी चाहिए, मैं अपना कन्फेशन सबको सुनाना चाहता हूँ. अगर मैंने कन्फेशन किया तो फिर मैं जा सकता हूँ? बड़ों के साथ बच्चों वाला सवाल नहीं किया करते. टोनी जी, मैं आपकी तरफ आ रही हूं. सुनो, डोंट गेट एक्साइटेड. बूथ से 15 फीट दूर. और मेरे हाथ में सिर्फ ये एक माइक है. पता है, पता है. टोनी जी, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ. दिख रहा है, दिख रहा है. और ये माइक मैं आपकी तरफ फेंक रही हूँ. नहीं नहीं, एक मिनट रुक जाइए. आप दोबारा घूमिए, देख लीजिए मुझे. फैंटास्टिक. आ जाइए, आगे आ जाइए. आराम से. ये माइक मैं आपकी तरफ फेंक रही हूँ. आराम से फेंकिएगा, मेरे हाथ में जरा चोट लगी हुई है. जी. आउच. थैंक्स. जैसे कम देर. मर्डर सस्पेक्ट इन्वेस्टमेंट बैंकर टोनी खोसला उर्फ बच्चू इंडिया टीवी पे लाइव कन्फेशन देने जा रहे हैं. ओवर टू यू मिस्टर टोनी. बाय द वे, आई एम निधि श्रीवास्तव. मैं जानता हूँ आपको. प्लीज टू मीट यू. मैंने आपको देखा कई बार टीवी पे. अरे तेरे पैंट में बटन है या नहीं? मौत के मुंह में बैठा है बच्चू, लेकिन लड़की को देखकर गुलाट मारना नहीं भूला. हाँ बच्चू जी, क्या आप हमें बता सकते हैं आप फोन पे किससे बात कर रहे हैं? मैं कैसे बता सकता हूँ ये? नहीं, मैं तो अपने आप से बात कर रहा हूँ मैम. मेरा दिमाग खराब हो गया है, थोड़ा डिस्टर्ब चल रहा हूँ मैं. जी बच्चू, तो एक मिनट, एक मिनट जाइए जरा. प्लीज बेयर विद मी. इसको बोल कि मेरा कन्फेशन बहुत इमोशनल है, इससे पहले मैं सबको एंटरटेन करना चाहता हूँ. मेरा कन्फेशन बहुत इमोशनल है, इसीलिए मैं पहले सबको थोड़ा एंटरटेन करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं अपने दिल की बात बताऊंगा. नोकिया के फोन में बैटरी डाल. जस्ट होल्ड ऑन, होल्ड ऑन. बैठ सकता हूँ? थोड़ी देर बैठ जाता हूँ. थक गया हूँ मैम. जस्ट होल्ड ऑन. कर दिया. अब माइक ऑन कर और फोन के पास रख. कर दिया. मैं तेरा नंबर डायल करूंगा, जैसे रिंगटोन बजेगी ये सब मैं नहीं कर सकता. ये मैं मुझे नहीं आता है. अरे मीडिया को भी टीआरपी चाहिए ना. आज सैटेलाइट और इंटरनेट के दौर में पब्लिक का अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है. दे नीड एंटरटेनमेंट बच्चू. आपको मुझसे कोई जोक सुनवाना है, आप जोक में सुना सकता हूँ. आपको गाना गाने की कहिए, मैं गाना गा दूंगा. जो मुझे अच्छी तरह से आता है वो करवाइए. मैं यार, बस बस बस.
कितनी बार ये लोड कर करके मुझको डराओगे तुम? बंदूक की नोक पे नचाना अच्छी बात नहीं है, मैं कोई बसंती नहीं हूँ मेरे भाई। तू नाचेगा बच्चू जैसे तू लड़कियों को नचाता है। हर सैटरडे रात को एमएलए पाटिल के खंडाला वाले फार्म हाउस में जब लड़कियां अनजान आदमियों के सामने कपड़ा उतारती थी तब तुझे शर्म नहीं आती थी? अब नई नवेली दुल्हन की तरह क्यों शर्मा रहा है? तू नाचेगा बच्चू। ये क्या वेजिटेरियन डांस कर रहा है? अरे डिक्की हिला डिक्की, जरा लटके जरा झटके। अच्छा अब देख, अब कोट निकाल धीरे धीरे से। अरे ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, पहले एक तरफ फिर दूसरी तरफ। अब चल कोट घुमा और नीचे फेंक। गुड। क्या अभी हम बात करने जा रहे हैं मशहूर साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर दत्ता से, जो टोनी खोसला के अस्वाभाविक व्यवहार पर चर्चा करेंगे। सो डॉक्टर दत्ता, सिचुएशन तो आप देख ही रहे हैं, ये क्या हो रहा है? हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपकी समझ में क्या आ रहा है। कर्नल, मैं बात समझ गया हूँ। मैं आज के बाद हर औरत की इज्जत करूंगा। ओके। वेल डन बच्चू। अगर ये बात सच है तो ये बात पब्लिक को सुना। टोनी खोसला और बच्चू, आप सब लोगों के सामने आज कन्फेस करना चाहता हूं, क्योंकि मेरी आत्मा ऊपर से बैठी हुई चिल्ला रही है कि मैं कन्फेस करूं। एक्चुअली देखा जाए तो मैं बहुत ही घटिया किस्म का इंसान हूं, बहुत बेकार आदमी। तुच्छ लोग होते हैं ना वैसा आदमी। मैंने औरतों को कई बार ऑब्जेक्ट की तरह, एक वस्तु की तरह ट्रीट किया है। कई बार मैंने अय्याशी की है और उसकी वजह से कई औरतों की जिंदगी बर्बाद हुई है। मुझे पता है इस समय मेरी पत्नी लक्ष्मी मुझे टीवी पे देख रही होगी। प्लीज मुझे माफ करना, मैंने कई बार तुम्हें चीट किया है। बट आई लव यू, आई स्वेयर टू गॉड आई लव यू। स्वीटी अगर वहां है तो उससे कहना, स्वीटी बेटा आपको इस समय मुझे टीवी पे देख के बहुत शर्मिंदगी होगी। मैं आपसे माफी भी नहीं मांग सकता, बट बेटा जिंदगी में एक बात याद रखना, अपनी गलती को एक्सेप्ट करना कोई बुरी बात नहीं है, अपनी गलती को एक्सेप्ट करना बहादुरी की बात है। ये मैंने आज सीखा है। डोंट फील बैड अबाउट योरसेल्फ एंड योर पापा, आई विल मेक यू प्राउड वन डे। जसी, कम बैक। लक्ष्मी, ड्रेसिंग टेबल के पीछे एक डिब्बा है, उसके अंदर एक चिट्ठी है, उसको तुम पढ़ना जरूर।
वेल डन बच्चू, वेल डन। क्या मैसेज दिया तूने अपनी बीवी को? कौन सा मैसेज? डोंट इंसल्ट माई इंटेलिजेंस बच्चू। ड्रेसिंग टेबल के पीछे जो डिब्बा है उसमें क्या है? यू डोंट वेस्ट टाइम कर्नल, वो मेरे और मेरी बीवी के बीच की बातचीत है, तुमको उससे क्या मतलब? मैं समझाता हूं मतलब। उस डब्बे में एक चिट्ठी है और उस चिट्ठी में है तेरी बीवी और बच्चे के भागने का प्लान। नए घर की चाबी, नई सिम कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, बापूजी से बचने के लिए। तुझे पता था कि एक ना एक दिन इसकी जरूरत पड़ेगी। हाँ बच्चों? यस। तुमको पता है बापूजी कौन है? जानता हूं। दस कौन की उठा क्यों नहीं रहे सर? क्या हो रहा है अंदर? मैं कब से आपको फोन ट्राई कर रहा हूं, आपने न्यूज नहीं देखी? बापूजी, जिसके लिए 10 करोड़ रुपए तूने वसूल किए मेरे डेप्यूटी मिश्रा से, और मैं जानता हूं कि इस वक्त वो 10 करोड़ तेरी गाड़ी में भी पड़ा है। जानता है ये पैसे डेप्यूटी मिश्रा के पास कैसे आए? कहां से आया? हर साल हजारों यतीम बच्चे ऑल इंडिया चिल्ड्रन वेलफेयर में आते हैं, कागज पे दर्ज होने से पहले उन्हें छाटा जाता है। 26 लड़कियां बेची उसने 16 करोड़ में। चिल्ड्रन वेलफेयर की आड़ में पूरे दुनिया के सेक्स ट्रेडर्स को बेचा उसने, और इस लड़की को बचा सका मैं। देखो बॉस, मैं इन लोगों का पैसा इधर उधर जरूर करता हूँ, लेकिन ये लोग इस तरह काम कर रहे हैं मुझे नहीं पता। पहले मर्डर, फिर बॉम्ब, फिर डांस, और अब कन्फेशन। कितनी देर से चल रहा है सब? करीब आधे घंटे से। फोन लगा। बापूजी, दोनों मोबाइल बंद है। पीआरओ शर्मा से बात की? हाँ सर, उसने अनऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया है मीडिया को, लेकिन बात इससे आगे निकल गई है। इंटरनेशनल मीडिया ने भी ये स्टोरी पिकअप कर ली है। यार ये मीडिया, ऐसा डिलीवरी हो गई ना? नहीं बापूजी, वो डिलीवरी करने जा रहा था, लेकिन स्वर्णा से बात करा मैं। चलो स्वर्णा से बात करा मैंने, जल्दी। तुम जानना चाहते हो उन लड़कियों के साथ क्या होता है बच्चों? नहीं नहीं, मैं हेलो सरिता बेटे, कैसे हो? मैं ठीक हूँ अंकल। अच्छा, ये अंकल से बात करो। ये वही अंकल हैं जिन्होंने मुझे भेजा था तुम्हें बचाने के लिए। इन्हें बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ। स्वर्णा जी सर, ये अपने बच्चों को हो क्या गया? पागल हो गया है सर, जब से मैंने बात की है तब से वो फोन बूथ से हटा ही नहीं। और वो अपने पैसे? ड्राइवर ने सुबह इनोवा में उसके घर पहुंचा दिए थे। तो इसका मतलब वो पैसों वाली इनोवा वहीं फोन बूथ के आसपास होगी। हाँ सर, हो सकता है। पांडे, वहां से जल्दी से इनोवा बाहर निकलवाओ। जल्दी जी, जाओ जी। वो जोर जोर से हंसते थे, सिगरेट से मेरा हाथ जलाते थे। फिर उस दिन अंकल आए और हम सबको बचाए। गन वाले अंकल को भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अंकल। कर्नल प्लीज फोन बंद करो, मैं इस बच्ची से और बात नहीं कर पाऊंगा। अच्छा बेटे, अब मैं फोन रखता हूँ, बाद में मिलूंगा। ओके बाय अंकल। मैंने तेरे कितने पाप धोए हैं बच्चों। कर्नल तुमको पता है 1000 रुपए के नोट का रंग हल्का गुलाबी क्यों होता है? क्योंकि लाखों बेगुनाहों के पसीने में डूबा हुआ और उनके आंसुओं में धुला होता है। करण, बहुत नीचे से उठ के आया हूं। मैंने बहुत गंदी जिंदगी गुजारी है, मैंने कुत्ते ऐसी जिंदगी गुजारी है सिर्फ जिंदा रहने के लिए। मैंने हर तरह का गंदा काम किया है सिर्फ जिंदा रहने के लिए। हर आदमी इस दुनिया में अपने लिए जिंदा है कर्नल। हर आदमी को अपनी जिंदगी चाहिए, मुझे भी अपनी जिंदगी चाहिए थी, लेकिन मुझको पता नहीं था कि सच इस तरह से मेरे सामने आके खड़ा हो जाएगा। कर्नल, I assure you, मैं इस बापूजी के लिए अब काम नहीं करूंगा, चाहे मुझे भूखा रहना पड़े, चाहे मुझे मजदूरी करनी पड़े, लेकिन बापूजी के लिए अब काम नहीं करूंगा। ये गंदा काम मैं नहीं करूंगा। ठीक है, तो वो 10 करोड़ जो तेरी गाड़ी में पड़े उसे लौटा कर शुरू कर।
हट चल हट ले हट ए हट रे हट ये गाड़ी ए हट हट ए हीरो तेरे को अलग बोलू क्या तेरे बंगले का छत क्या चल 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 निकल जाते देखो कर्नल मैं बदल सकता हूँ लेकिन दुनिया के तौर तरीके इस तरह से नहीं बदल सकते मैं वादा करता हूँ मुझे आधे घंटे के लिए जा रहे तो आधे घंटे के बाद मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपया दे दूंगा आधा घंटा क्यों बच्चू पैसे तो तेरी गाड़ी में पड़े ना और उसकी वजह से कई बार गाड़ी मिली हाँ जी बाबूजी गाड़ी तो मिल गई है लेकिन बाबूजी यहाँ पे बहुत पब्लिक है और चारों तरफ से पुलिस ने भी घेर रखा है तो एक काम कर टोइंग वैन ले जाकर उस गाड़ी को वहां से निकालो नहीं नहीं बापूजी मेरी बात सुनिए अभी हम अगर कुछ करना चाहते हैं तो लोचा हो जाएगा थोड़ा वेट करना होगा लेकिन आप चिंता ना करें मैं गाड़ी पर ध्यान रख रहा हूँ किसी भी हाल में तुम उस गाड़ी के पास से हिलना नहीं वहीं रुको तुम मैं तेरे क्या है चल गाड़ी से पुलिस ऑफिसर को बुला और उसे चाबी दे नहीं मैं गाड़ी की चाबी नहीं दे सकता हूँ इतनी जल्दी इरादा बदल गया तेरा हा? कर्नल मैं मेरा वादा है तुमसे चाहे कुछ भी करना पड़े कितना खर्चा हो जाए मैं चार लड़कियों को ढूंढ के निकालूंगा और मैं आऊंगा मुझे सिर्फ थोड़ी देर के लिए जा रहे थे जब तक तू पैसे नहीं लौटा देता तू यहाँ से नहीं जा सकता बच्चू नहीं मैं गाड़ी की चाबी नहीं दे सकता हूँ ठीक है हाँ कहाँ पहुंचे ये लोग हेलो हाँ ब्रेकिंग न्यूज बच्चू बापूजी के आदमी तेरे घर पहुंच गए हैं एंड नाउ दे आर रीडेकोरेटिंग ए हाउस बच्चू मेरी बच्ची कहाँ है मेरी बीवी बच्ची कहाँ है स्वीटी और लक्ष्मी कहाँ है गुंडों के पहुंचने के 2 मिनट पहले वो लोग निकल गए अब उनकी गाड़ी खार रोड में तूने साला मुझे पागल खूनी पता नहीं क्या क्या बना दिया टीवी के ऊपर डोंट प्ले दिस फ्रीकिंग गेम विद मी कर्नल पुलिस वाले को चाबी दो बच्चू बॉस मैं चाबी नहीं दे सकता मैं मजबूर हूँ ठीक है तो मैं बापूजी को तुम्हारी बीवी की गाड़ी का लोकेशन दे देता हूँ तुम ऐसा नहीं कर सकते कर सकता हूँ तुम ऐसा नहीं कर सकते सोच रहे बच्चू कर्नल फिर मत कहना कि मैंने तुझे मौका वो मेरी बीवी बच्ची के साथ कुछ भी करेगा उसको बीचों मत लाओ कर्नल कर्नल बापूजी को बीचों मत लाओ प्लीज नो कर्नल यू कांट डू दिस हेलो हेलो बापूजी कर्नल 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 प्लीज बच्चू कर्नल प्लीज तुम बच्चू के परिवार का पता जानना चाहते हो इस वक्त बच्चू की परिवार एक होंडा गाड़ी थैंक्स चलो चाबी दिस इज न्यूज अरे निधि दिस इज एविडेंस आप गाड़ी सिर्फ हमारे कैमरा के सामने खोलेंगे लाइव जेसिका आप ड्राइवर गाड़ी अरे नहीं सर ड्राइवर लगता हूँ अरे लेकिन साहब क्या प्रॉब्लम क्या है मैं क्या बोल रहा हूँ सबको पीछे करो पीछे मूव बैक एवरीबॉडी बैक पीछे करो सबको बापूजी पुलिस ने गाड़ी पकड़ ली रोको पुलिस को सेंट्रल मिनिस्टर का आदमी है तुम क्या कर रहे हो पुलिस को टोनी खोसला ने अभी अभी बूथ में से इस गाड़ी की चाबी फेंकी है क्या है इस गाड़ी में जानने के लिए देखते रहिए इंडिया टीवी कम ऑन जैसा कि आप देख सकते हैं इन बंडल्स में हजार हजार रुपए के नोट हैं। थोड़ी ही देर में हमें पता चल जाएगा कि आखिर ये क्या माजरा है
500 करोड़ के बारे में जानते थे ना? ऑफ कोर्स बच्चू, नहीं तो मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करता। आज सुबह 6 बजे तूने बापू के पैसों की डिलीवरी ली ना पार्टी वर्कर्स को बांटने के लिए, म्युनिसिपल इलेक्शन जो सर पे है, इसीलिए तू यहाँ आया पार्टी वर्कर्स का एड्रेस लेने के लिए सुवर्णा से, राइट? सर जी, हाई कमांड ये कहना चाहती है कि वो 500 करोड़ की जिम्मेदारी आपकी थी और उसका नुकसान भी आपको ही भरना पड़ेगा। वो मेरा बच्चों कोई मिठाई बांटने नहीं गया था, वो पार्टी हाई कमांड के दिए हुए एड्रेस पे पैसे पहुंचाने गया था जो इलेक्शन फिक्स करने के लिए। 500 करोड़ का नुकसान भी मैं भरूं? दिस इज नॉट फेयर। उनको यहां बुला लो। बाबूजी, अब मेरी बीवी और बच्ची को नहीं छोड़ेगा। तेरी बीवी और बच्चा तेरे घर पर सही सलामत है। क्या मतलब? वो घर से नहीं निकले? नहीं। तो बाबूजी के आदमी मेरे घर नहीं गए? वो एक छोटा सा ड्रामा था चाबी निकलवाने के लिए। अभी अभी वारदात की जगह पर RBI की टीम पहुंच गई है। अब ये कहानी क्या नया मोड़ लेती है, जानने के लिए देखते रहिए इंडिया TV। वैन में से लगभग 500 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। जी हाँ, 5 के आगे 9 शून्य। ऐसे ही 500 गड़ियां इस वैन में से बरामद की गई हैं। इतना सारा पैसा वो भी मुंबई के फुटपाथ पर। ये सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज ही नहीं है, दिस इज द स्टोरी ऑफ द ईयर। और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि शायद ही किसी ने इतना पैसा अपनी जिंदगी में एक साथ देखा हो, कम से कम आम जनता ने तो नहीं देखा होगा। बच्चों की बीवी और बेटी को उठा लो और बच्चों का स्टोरी खत्म कर दो। सर, भूत में RDX है, अगर फट गया तो हजारों लोग मारे जाएंगे। तुझे फर्क पड़ता है क्या? अपनी बीवी से बात करेगा? बहुत परेशान थी तेरे लिए। हाँ, मैं बात करूंगा, बात कराना उनसे। हेलो, लक्ष्मी, 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 मैं बोल रहा हूँ। ये सब क्या हो रहा है और आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? लक्ष्मी, मेरी बात ध्यान से सुनना और बस कोई सवाल मत पूछना। देखो, मैं इस वक्त बहुत अजीब सिचुएशन में हूँ। इस वक्त स्वीटी को लेकर तुम फौरन घर से चली जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मेरा घर है। लक्ष्मी, मेरी बात समझो, तुम्हारी जान खतरे में है। बाबू क्या तुम्हारे पीछे? प्लीज प्लीज स्वीटी से बचो। स्वीटी, माय बेबी, माय बेटा। हेलो पापा। स्वीटी बेटा, गेट आउट नाउ। बेटा, अंकल जैसा कह रहे हैं वैसा करो बेटा। मेन डोर को अंदर से लॉक करो और सर्वेंट एंट्री से बाहर निकलो। पीछे की सीढ़ियों से नीचे लॉबी तक जल्दी पहुंचो। वो सर्वेंट एलिवेटर लो और नीचे जाओ। बाहर निकलो और दाहिने देखो, एक लाल मारुति 800 खड़ी होगी। गाड़ी के डैशबोर्ड में चाबी। गाड़ी तब तक नहीं रोकना जब तक डैडी का फोन नहीं आता। किस तरह की अजीब आदमी हो तुम? पहले वैन की चाबी फेंक कर मेरे परिवार का डेथ वारंट साइन करवा दिया, अब उनको बचाने का क्या मतलब है? मेरी बीवी बच्ची कहाँ है? कर्नल, टेल मी, आर दे सेफ? हेलो। 4 सैटेलाइट्स ट्रैक कर रहे हैं तुम्हारी बीवी और बच्चे। आई नो देयर पोजीशंस फ्रॉम 1 मीटर ऑफ एक्यूरेसी। तुम्हारे साथ और कौन कौन है? कितने लोगों के साथ काम कर रहे हो? मैं इंसान पर भरोसा नहीं करता बच्चों, टेक्नोलॉजी मेरे लिए काफी है। लिसन बॉस, तुम कोई एक्स आर्मी कर्नल या चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट के कमिश्नर नहीं हो सकते। तुम कौन हो बता मुझे, कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो तुम? बोलो कौन हो तुम? क्या चाहिए तुमको? जैसे मैं तुम्हारा नाम लूंगा फ्लोर पे डक कर जाना। तुम ये खेल मेरे साथ क्यों खेल रहे हो? बच्चू शराब है, डक नहीं करूंगा।
Mr. Tonikasa, are you all right? Tony, are you? बूथ के नीचे जो हिस्सा है वो बुलेट प्रूफ ग्लास का बना है बच्चों। राघव सर 9mm मैगजीन्स ये एविडेंस ये व्हाट वाज इट बच्चों को खत्म करने की कोशिश है ऑब्वियसली 500 करोड़ सिर्फ शुरुआत थी उसके पास देने के लिए और भी बहुत कुछ नहीं थे इतना ही नहीं उस गनमैन की गोली पर मेरा नाम लिखा था शूटर ने जान बचाई है मेरी आई नोटिस दैट दिस इज बिग आज तक कभी किसी ने ब्लैक मनी का एक पैसा वापस नहीं किया है डू यू थिंक दिस इज न्यू बिगिनिंग वी'ल वेट एंड सी देखो सारे न्यूज़ चैनल वालों को बता दो इस आदमी की दिमागी हालत ठीक नहीं है और इस मामले को यहीं दबा दो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा बापूजी बच्चू जैसे 2% के हरामी पर इतना भरोसा किया कैसे आपने अरे तुम भी तो स्वर्णा पे भरोसा करते हो कल को ये अगर बच्चू बन गया तो क्या कर लोगे ये पॉलिटिक्स का बिजनेस चलाने के लिए किसी बच्चू रेडी स्वर्णा पे भरोसा करना ही पड़ता है 64 साल की आजादी में किसी भी पॉलिटिकल लीडर को इस तरह से रस्ते पे नंगा नहीं किया गया है अगर इंडिया की जनता ने मेरे पैसे का खून चख लिया ना तो वो सभी पॉलिटिकल लीडर्स के पैसे की प्यासी हो जाएगी कर्नल नहीं है तू कौन है क्या चाह रहा है मुझसे हाँ मैं कर्नल गिल नहीं हूं तो इतने भेस बदलने की जरूरत क्या है आई एम अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर डार्क कॉन्शियस बच्चू द सम टोटल ऑफ योर लाइफ ऑफ क्राइम एंड गिल्ट तुम अपने गुनाहों का खाता अच्छी तरह से जानते हो इसीलिए पहले तुमने मुझे सुपारी किलर समझा फिर भारती का बॉयफ्रेंड और फिर वो नेक कर्नल मुझसे क्या चाहिए बताओ मुझे मुझसे क्या चाहिए टेल मी तीन दो शून्य 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 और शून्य मुझे 32,000 करोड़ चाहिए बच्चों जो तुमने बापूजी के लिए स्विस बैंक्स में छुपाए और जिसका कोड तुम्हारे दिमाग में है मुझे वो सारा पैसा चाहिए अरे वाह यार वाह क्या बात है इतना सारा नाटक इसके लिए तेरे में और बाबूजी में फर्क क्या है उसने पब्लिक को लूटा तू बाबूजी को लूटना चाह रहा है फर्क है बच्चू जानता है पैसा किसका है ये पैसा उन मजदूरों का है जो दिन में 18 घंटे काम करते हैं और फिर भी उनके घर वाले भूखे सोते हैं ये पैसा उन लाखों मिडिल क्लास लोगों का है जिनकी तनख्वाह बाद में पहुंचती है लेकिन टैक्स पहले कट जाता है ये पैसा उन गरीबों का है जिनकी जिंदगी झोपड़े में शुरू होती है झोपड़े में खत्म हो जाती है ये पैसा बच्चों उन माओं का है उन बहनों का है उन बेवाओं का है जिनके घर के मर्दों ने इस देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी ये पैसा स्विस बैंक अकाउंट्स में नहीं अपने देश की तिजोरी में होना चाहिए बच्चों जल्दी चलो जल्दी आप ये करो
सर सर कांग्रेचुलेशन सर सर 500 करोड़ बट सर सर ये सब शुरुआत है आई नीड बैकअप सर विक्रम बैकअप बैकअप सब हो जाएगा पहले मेरी बात सुनो 10 करोड़ पहुंच जाएंगे तुम जहां जाओ वहां आई एम सॉरी सर मैं समझा नहीं बच्चू को खत्म कर दो उसको बोलो एनकाउंटर करे क्रॉस फायरिंग करे राइट्स करा दे उधर बस काम होना चाहिए डू व्हाट यू कैन द जॉब मस्ट बी डन तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सेंट्रल मिनिस्टर बापूजी का तुम्हें पूरा सपोर्ट है नहीं सर ये नहीं कर सकता ये तुम्हें क्या हो गया विक्रम ये अचानक देशभक्ति का भूत कहां से सवार हो गया हर महीने पैकेट तो चारों हाथों से बटोर लेते हो पैकेट तो लेता हूँ सर पर पैकेट लेना भी तो आपके सिस्टम नहीं सिखाया ना सर सर पैकेट नहीं लेता तो हर 6 महीने में ट्रांसफर हो जाता है मैं अभी इसी वक्त तुम्हारा इस केस से ट्रांसफर कर रहा हूँ तुम फौरन वहां से निकल जाओ ये भी नहीं कर सकते तुम मेरा डायरेक्ट ऑर्डर रिफ्यूज कर रहे हो नो सर सर सर्विस रूल्स के सेक्शन 67B के मुताबिक मैं जारी हिंसा के वक्त मौका वारदात छोड़कर नहीं निकल सकता सर जब तक कोई मेरे बराबर का या मुझसे सीनियर ऑफिसर आकर मुझसे चार्ज नहीं ले लेता अर्जेंट होना चाहिए और उस ऑफिसर का डिटेल हमारे पास भेजो सर्कल साहब टोनी खोसला की सिक्योरिटी बढ़ गई सारे ऑफिसर्स को सूचित करो ना कि सील करो हर लाठी हर बंदूक मुझे टोनी खोसला की सिक्योरिटी पर चाहिए जाइए मूव क्या हुआ सर कमिश्नर का फोन था 10 खोखे का ऑफर दिया है 10 तो ले लो ना सर आपस में बांट लेंगे बच्चों की जान चाहिए बदले में बच्चों इसको कैसे मारेंगे यहाँ तो पुलिस और मीडिया सुनो रणबीर सिर्फ बच्चू ही नहीं आसपास की बिल्डिंग में एक असैसिन है जिसका निशाना बच्चू पर है दोनों को खत्म कर दो I want it done right now. मिस्टर टोनी खोसला मेरी बात ध्यान से सुनो सिर्फ 10 मिनट बचे हैं तुम्हारे पास उसके बाद मैं किसी बात की गारंटी नहीं ले सकता मेरे लोग पुलिस डिपार्टमेंट हर हाल में तुम्हें पकड़ लेगा पिछले 1 घंटे से जिस आदमी से फोन पे बातें कर रहे हो उसे बता दो कि खेल अब खत्म होने वाला है फोन बंद करो और बूथ से बाहर आ जाओ बापूजी ने तेरा गेम सेट कर दिया बच्चू वो पुलिस वाले के दिए हुए 10 मिनट तेरी मौत का काउंटडाउन था विक्रम क्या होने वाला है 10 मिनट में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा विक्रम मैं एक रिपोर्टर हूँ मुझसे झूठ हजम नहीं होता तुम कुछ छुपा रहे हो ना बताया नहीं यार कुछ नहीं होने वाला इतना क्या सोच रहे बच्चों क्या हिंदुस्तानियों से लूटा हुआ पैसा उन्हें वापस लौटाना गलत है सर यस रणवीर सिंह ने तुम्हारी जगह ले ली है चार्ज देने के लिए वैन में बुलाया
तुझे कौन सा चार्ज मिला? हम तो हवा के रुख के साथ चलते हैं, चले। लेकिन सोच बच्चों, अगर तू वो पैसा वापस ले आया तो इस देश का क्या होगा? जानता है, 250 साल की हुकूमत में अंग्रेजों ने हमसे 1,00,000 करोड़ लूटा था, और सिर्फ 60 साल में बच्चों, हमारे नेताओं ने हमसे 70,00,000 करोड़ लूटा है, और तुम जैसे लोगों ने उनकी मदद की है बच्चों। ये बात सिर्फ पैसों की नहीं है, अपने देश की वर्तमान की है, अपने देश की भविष्य की है बच्चों। इट्स द फ्यूचर ऑफ आवर चिल्ड्रन, यू हैव टू डू इट बच्चों, यू हैव टू गेट दैट मनी बैक। गन एंड बैच प्लीज। बापूजी का ऑफर बुरा नहीं था, बच्चों को तो मरना ही है। तेरी ईमानदारी उसे सिर्फ 10 मिनट दे सकी। इतिहास बदलने वालों के लिए 1 मिनट भी बहुत बड़ा होता है। बस उनकी उम्र बहुत छोटी हो जाती है। मुझे बुरा लग रहा है कि तेरे अंतिम संस्कार करने के लिए कोई नहीं है, तो मैं ही कुछ बोल देता हूं। वायुरानिलम अतेतम पश्मांतम शरीरम ओम स्मराकृतो स्मराकृतो स्मरा। राघव, शूटर की बुलेट वहीं से आई थी ना? यस सर, विक्रम को जो गोली ने बचाया उसके कोऑर्डिनेट्स भी वही है सर। ओके, लेट्स सी। सर मैं जाऊं? ट्रांसफर हो गया उसका। ट्रांसफर हो गया ऑपरेशन के बीच में? हाँ। अभी इंचार्ज कौन है? तनवीर सिंह। इनकाउंटर स्पेशलिस्ट तनवीर सिंह? Fact number 703. Move in. Roger that. Hello.
सर सर जो पिछले 1.5 घंटे से उसके सर पे बंदूक रखकर उसे सब कुछ करवा रहा है। पर ये सब तुम्हें कैसे मालूम? तुमने देखा है उसे? नहीं, पर वो है यहाँ का ऑफिसर इंचार्ज विक्रम, वो भी इसके बारे में जानता था। So, can we put him on? वही तो मैं कह रही हूँ, अब वो यहाँ पे नहीं है, उसकी अचानक से ट्रांसफर कर दी गई है। This is mind blowing news. पर तुम्हें पता है ना, बिना ठोस सबूत के अगर हमने इसे न्यूज बनाया तो all our heads will roll. Okay, I'll try. क्या सोचा तुमने बच्चों? तुम जिंदा हो? अपने मिशन में कामयाब होने के बाद ही मैं अपने आप को जिंदा समझूंगा। Calling Alpha, has the target been eliminated? Report करो, over. पहले मुझको बताओ कि तुम कौन हो? मैं सिर्फ एक हिंदुस्तानी हूँ। वो हिंदुस्तानी जो 5-स्टार होटल के कॉफी शॉप में बैठकर अपने देश के बुरे हाल पर चर्चा नहीं करता। वो हिंदुस्तानी जो अपने ड्राइंग रूम में बैठकर विस्की का सिप लेते हुए भ्रष्टाचार पर अपना क्रोध नहीं निकालता। वो हिंदुस्तानी जो टीवी शोज पर टेररिज्म और कम्युनलिज्म पर डिबेट नहीं करता। मैं वो हिंदुस्तानी हूं जिसने सिर्फ बातें नहीं की, कुछ करने की कोशिश भी की है। निधि? Yes? मैं तुम्हें देख रहा था, you're good at your job. You are even better. तुम जानती थी कि मैं यहाँ हूँ? हाँ। फिर भी तुमने न्यूज़ रिपोर्ट नहीं की, हाँ? हाँ। क्या मैं आपको मिल सकती हूँ? Can I see you, please? No. रणबीर के लोग ऊपर आते होंगे। नीचे जाते वक्त अपने आप से पूछ लेना, क्या तुम अपने देश से ज्यादा प्यार करती हो या अपने करियर से? गुड बाय निधि। गुड बाय। बच्चू, अब तुम पे कोई गन नहीं है। टिफिन में RDX है लेकिन डेटोनेटर नहीं है। तुम जो भी करना चाहते हो कर सकते हो, क्योंकि अब मैं फोन डिस्कनेक्ट करने वाला हूं। लेकिन बच्चू, जो कुछ भी करना अपने दिमाग से नहीं अपने दिल से करना, क्योंकि दिल लेफ्ट में होता है लेकिन हमेशा राइट होता है। हेलो, हेलो
शूटर की फुटेज मिली? एक बात बताओ जैसे, अगर तुम्हें देश और करियर में से किसी एक को चुनना हो, किसे चुनोगे? देश को? But why you ask me this question? Why you deleting this? अब हम ये कैसे प्रूफ करेंगे कि उस बिल्डिंग में एक शूटर है? बिल्डिंग में ना ही कोई शूटर है और ना ही उसकी कोई स्टोरी। All assets come in. What's your 20? अभी तक खत्म क्यों नहीं हुआ? मेरे लोग पोजीशंस में हैं। जैसे ही वो फायर करेंगे, मीडिया और पब्लिक में भागदौड़ होगी। At that point, we'll kill the cameras. 2000 लोग, 200 मीडिया, not a single witness. मेरा सारा तिजोरी खत्म हो जाएगा। I'll take him out. Finish it! और कितने पैसा चाहिए? 3000 करोड़! Troops in firing position. ये 5000 करोड़! तीन 7000 करोड़! दो 7000! Fire. Thank you.
move out. Well done, partner. I'm proud of you. मैंने अपनी बच्ची को एक वादा किया था, वो मैंने पूरा कर दिया है। तुम कहाँ पर? मुझे देखना है तो इन लोगों को देखो, इनके चेहरों को देखो, इनकी खुशी और उम्मीद में मैं तुम्हें नजर आऊंगा। Take it easy, brother, and thank you very much. किसी दिन किसी मोड़ पर हम जरूर मिलेंगे। मिलेंगे। Goodbye, my friend. चीफ ऑफ ऑपरेशंस इंटेलिजेंस ब्यूरो। राइट सर, जब ये हो रहा था उस वक्त आप कहाँ थे? मैं वारदात की जगह पे अभी पहुंचा हूँ। अब उस तक इन्हें ट्रैफिक जाम। यहाँ हिंदुस्तान के इतिहास का एक नया पन्ना लिखा जा रहा है और आप ट्रैफिक में फंसे थे। मैं जा सकता हूँ? हाँ, शौक से। थैंक यू। यही प्रार्थना है कि 32,000 करोड़ रुपयों को अपना पहला कदम समझे और सब एक होकर स्विस बैंक्स में पड़ा हुआ हमारे देश का एक एक रुपया वापस ले आए। यही मेरा सपना है कि हिंदुस्तान जाग उठे और भ्रष्टाचार के सिस्टम को नॉकआउट करे, लेकिन मंजिल बहुत दूर है और यह है सिर्फ मेरा पहला कदम।